अरे जैसा कि मैंने पिछले दिन बोला था कि 14 जुलाई को अगर निफ्टी 15,800 को क्रॉस करता है तो फिर हम अगले टारगेट 15,900 को देख सकते हैं। तो आज वैसा ही हुआ, लेकिन निफ्टी आज 15,900 को टच नहीं कर सका, लेकिन उसके काफी करीब पहुंचा। अब जो 15 जुलाई का हमारा सिनेरियो रहेगा, अगर निफ्टी 15,900 को क्रॉस करता है और 15,916 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हम पूरी तरह से निफ्टी में बुलिश हो जाएंगे और निफ्टी हमारा ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, कई बार यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया है निफ्टी। तो अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो हम यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं 15,800 पे, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। अगर 15,800 को ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट होगा 15,750, और 750 को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो हम पूरी तरह से बेरिश हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का ओवरऑल सिनेरियो रहेगा कल 15 जुलाई के लिए।